सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ना हम लोग एक ऐसी गाड़ी को रिवील करने जा रहे हैं जो कि यूथ का प्यार है और मोस्टली यूथ उसको पसंद करते हैं। और अभी कंपनी ने उसको अपग्रेड किया है और भाई उसका लुक ना एकदम मॉन्स्टर लुक है। आप लोग देखोगे ना, जो भी यूथ होगा ना पसंद जरूर करेगा। भाई अपने पेरेंट्स को बोलेगा मेरे को गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तो आइए उसको थोड़ा सा रिवील करते हैं, रिव्यू बताते हैं आप लोग को उस गाड़ी में चेंजेस क्या है और कैसी गाड़ी है, फीचर्स वगैरह सारा भी आपको बताएंगे। चलिए पहले इस गाड़ी का लुक देखिए आप लोग। मैं मगध बजाज का थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें शूट करने का मौका दिया। पल्सर NS 400Z विद अस। और भाई क्या लुक है सामने से अगर आप देखोगे तो, पूरा पूरा ये जो सेक्शन आपको एकदम ना मतलब ट्रांसफॉर्मर सेक्शन लगेगा, एकदम मॉन्स्टर लुक। और अगर हम लोग अगर साइड पे चलते हैं तो आप देखो साइड से आपको NS 200 की याद ज़रूर आएगी। थोड़ा सा आपको लुक सिमिलर मिलेगा साइड से NS 200 की तरह। और अगर हम लोग बैक की बात करें तो बैक में भी आपको सिमिलर ही मिलेगा, जो पुरानी NS आती थी वैसे ही बैक सेक्शन इसका सिमिलर रखा गया है। और ये रेड एंड ब्लैक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें आपको चार कलर अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर हम लोग से DRLs की बात करें तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब DRLs क्या खतरनाक लुक दे रहा है। और यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो ठीक है, क्वालिटी बहुत सही है, फाइबर की क्वालिटी है मडगार्ड की। USD फोक्स आपको अप साइड डाउन फोक्स यहाँ पे कंपनी तरफ से प्रोवाइड होगा आपको। और यहाँ पे 320mm का डिस्क प्लेट कंपनी ने दिया है। टायर का सेक्शन का अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने 110x70 का टायर और 17 इंच का अलॉय यहाँ पे दिया है। ग्रेमिका का आपको ब्रेक यहाँ मिल जाएगा, ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये आता है। अब अगर हम लोग इसका बात करें इसे साइड लुक की एक बार चलते हैं तो यहाँ पे आपको पल्सर के एज यूजुअल बैचिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको NS का एक स्टिकरिंग लोगो मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इंजन का सेटअप आपको मिल जाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द इंजन ऑफ दिस बाइक तो इसमें 373 cc का लिक्विड कूल इंजन कंपनी ने दिया, 6-speed गियर बॉक्स। और ये गाड़ी 39.5 BHP का पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। सो अगर हम लोग पावर की बात करें तो भाई बहुत ही तगड़ा पावर दिया कंपनी ने इसमें। अब अगर हम लोग बैक की बात करें तो आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है बैक में। बैक में आपको टायर सेक्शन की बात करें तो कंपनी ने इसमें 140x70 का टायर दिया, 17 इंच का आपको अलॉय यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको मड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये भी ठीक है, प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक कंपनी ने दिया है। और इसका आपको साइलेंसर यहाँ पे प्लेसमेंट है जो कि पहले से ही पल्सर NS में आता था। ये छोटू सा प्यारा साइलेंसर यहाँ पे दिया गया है और इसकी आवाज़ में आपको अभी सुनाऊंगा इसकी आवाज़ कैसे करती है। अब अगर पीछे की हम लोग बात करें तो यहाँ पे LED आपको बैकलाइट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत प्यारा सा ग्रिल दिया गया है जो कि आपको इंडिकेटर और नंबर बैचिंग यहाँ पे अटैच करता है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट दिया गया है जो कि बहुत अच्छा सीट माना जाता है आपको। और ये इसका कुशनिंग अगर हम लोग बात करें तो यार कुशनिंग बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मेरे को, बाकी वो राइडिंग के ऊपर है लेकिन कुशनिंग प्यारा दिया गया। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं तो इसका आपको टैंक 13 लीटर का टैंक दिया गया। यार कंपनी को इसको टैंक को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था भाई। 400 cc गाड़ी अगर लॉन्ग रूट में जाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 15 लीटर 16 लीटर का टैंक होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसके मीटर की बात करें तो अब अभी देखिए मीटर अभी बंद है, ठीक है, अभी हम इसको ऑन करते हैं। ये रहा इसका डिजिटल कंसोल मीटर, यहाँ पे आपको लेट अस राइड लिख के आएगा। और ये इसका डिजिटल कंसोल मीटर, इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स दिखेंगे अगर आप देख सकते हैं तो, रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड, चार तरीके का आपको यहाँ पे मोड अवेलेबल है। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको फंक्शन मीटर सेट करने का फंक्शन आपको बटन्स यहाँ दिए गए हैं। इंडिकेटर रिप्लेसमेंट एज यूजुअल यहाँ पे, हॉर्न आपको यहाँ मिलेगा और पासिंग लाइट आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट भी कंपनी ने दे दिया है जो कि भाई एक अच्छा सेफ्टी फीचर है हैजार्ड लाइट। यहाँ पे आपको किल इग्निशन स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा और ये आपको हाई बीम लो बीम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज़ और इस गाड़ी में है भाई, चार्जर आप यहाँ पे चार्ज फोन को कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत ही प्यारा फीचर्स है। सो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं हम लोग, तो लेट्स फायर दिस थिंग अप। अगर हम लोग थोड़ा सा रेप देंगे इस गाड़ी में तो कैसे आवाज आएगा अभी आप लोग सुनाते हैं।
सो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल लुक और इस कुछ फीचर्स फंक्शंस गाड़ी के जो मैंने आपको बताए हैं। सो ये जो बाइक है आपको, ये आपको चार कलर्स में अवेलेबल आती है, ग्रे, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। अभी अपने पास रेड कलर यहाँ पे लगी हुई है। और मैं एक शोरूम की अगर बात करें तो इस गाड़ी का प्राइस 1,84,000 करीब आता है। बाकी आप लोग विजिट कीजिए शोरूम में मगध बजाज में और इसका ऑन रोड प्राइस जानिए। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दूंगा, तो मस्ट विजिट एंड चेक आउट दिस डैशिंग पल्सर NS400Z। और भाई भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए यार, हम लोग भी ये गाड़ी कब लेंगे पता नहीं, बस आपके सपोर्ट से ही ले पाएंगे, आपके सपोर्ट से ही बड़ा बन पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।